पतंजलि के प्रोडक्ट को जो है चलाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें जो है वो आग लगा रहे हैं और ये भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, पतंजलि उत्पाद मुर्दाबाद, 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 पतंजलि एम्पायर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित बहुजनों के देख रहे हैं जिसमें आग लग रही है, जला रहे हैं और खुले तौर पर होली दहन के नाम से उनको चलाया गया है। विरोध का जो है वो ऊंचा हो रहा है, लोग पकड़ लिया है तेज और पतंजलि मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लोगों को धोखा देना बंद करो, बहुजन महापुरुषों का अपमान बंद करो, बंद करो, बहुजन महापुरुषों का अपमान बंद। मुझे लगता है बाबा रामदेव मनुस्मृति के मानने वाले हैं, उनका आचरण भी दिखाता है, उनका भाषण भी दिखाता है और उनकी पूरी विचारधारा भी दिखाती है। और डॉक्टर अंबेडकर पेरियर रामास्वामी नायकर ये मनुस्मृति की गैर बराबरी पर आधारित विचारधारा के खिलाफ थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, औरतों को देश में बराबर का अधिकार दिया, देश से छुआछात खत्म करने का आर्टिकल 17 बनाया, आर्टिकल 15 बनाया। स्वामी रामास्वामी नायकर देश की आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा थे और इन लोगों का क्या योगदान है? ये केवल मनुस्मृति का प्रचार कर रहे हैं जो देश में गैर बराबरी की विचारधारा को मानती है। हम ये कहना चाहते हैं आपको जो विचारधारा मानना है मानो, लेकिन हमारी विचारधारा को अगर आप आतंकवादी विचारधारा कहोगे तो ये वैचारिक लड़ाई लंबी चलेगी। नहीं, बाबा रामदेव जो है हिज मास्टर्स वॉइस है, वो अपने मालिक की आवाज है। जो बात मालिक नहीं कह पाता वो बाबा रामदेव अपने भोपू के जरिए कहते हैं। ठीक है, ये आंदोलन और चलेगा जब तक कार्रवाई नहीं होती। हम ये बता रहे हैं कि जब तक बाबा रामदेव बिना शर्त माफी नहीं मांगते तब तक उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार जारी रहेगा। देश के कोने कोने में हर रोज उनके प्रोडक्टों की होली लगती रहेगी। सर मेरा गुस्सा बाबा रामदेव से है, उनके विचारों से है। ठीक है, वो मनुवादी लोग हैं जो एक तरह से वो जिसका अपमान कर रहे हैं, पेडियार का अपमान कर रहे हैं, अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं, एक हमारे विचारों की हत्या कर रहे हैं। जो लोग संविधान को मानते हैं वो उनके विचारों की हत्या है। तो ये पावर उनको कैसे आया? ये पावर उनको आया कि वो उसने अपना प्रोडक्ट हमें बेचा, उसके बाद पैसा आया तो पॉलिटिकल पावर आया। हम उसके पावर को कहने का, उसके सामान को जला के उसके पावर को कम करने का कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से वो हमारे विचारों की हत्या करने का कोशिश कर रहे हैं, हम इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।